हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए आज आप लोगों को फिर से एक कमाल का कहानी सुनाते हैं जो कि बहुत ही कमाल का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है एक राजा का। एक राजा शिकार पे गया था बट उसे कुछ भी शिकार नहीं मिला, तो उसने सोचा कि उन्हें इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा विश्राम किया जाए। तो जाकर पेड़ के नीचे बैठा, तो जैसे ही पेड़ के नीचे बैठा, पेड़ पर एक तोता था। तो तोता ने बोला, देखो राजा आया है, राजा के पास बहुत माल होगा, बहुत सारा सोना होगा, बहुत सारा चीज़ होगा, तो राजा को पकड़ो। तो राजा वहाँ से तुरंत भाग गया। अब वहीं पर दूसरा पेड़ के सामने जा कर के बैठा, तो वहाँ पर एक तोता था, आइए महाराज, आइए आइए अंदर आइए और विश्राम कीजिए। तो राजा हैरान हो गया थोड़ा, एक तोता ने ऐसा बोला, दूसरा तोता ने ऐसा बोला, थोड़ा हैरान रह गया कि एक ही जाति के प्राणी, मतलब दोनों ही तोता है बट दोनों का रिएक्शन अलग अलग, वो थोड़ा अलग रिएक्ट किया, ये थोड़ा अलग रिएक्ट किया। तो राजा ने उस तोता का बात मान ली थी, तो ऋषि को पूछे कि ऋषि जी ऐसा ऐसा बात है, मुझे पहले एक तोता मिला था, तो उसने बोला कि देखो राजा आया इसे लूट लो, और वहीं पर दूसरा तोता मुझे मिला, उसने बोला आओ अंदर आओ विश्राम करो और फिर बाद में चल जाना। तो वो हैरान हो गया। तो ऋषि ने ध्यान से राजा का बात को सुना कि जो तोता था वो डाकू के साथ रह करके वो भी डाकू बन गया है, मतलब डाकू जैसा हरकत करने लगा, डाकू जैसे नहीं होता है उसी तरह हरकत करने लगा, और दूसरा तोता एक नॉर्मल यानी एक साधु सन्यासी के साथ, सन्यासी लोगों के साथ रह करके वो भी सन्यासी बन गया, यानी साधु जैसा उसका भी आचरण हो गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें कमाल का मैसेज मिलता है, कमाल का सीख मिलता है कि देखिए हम लोग जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे बनेंगे। यानी कोई मूर्ख व्यक्ति अगर जीने से यानी विद्वान के साथ रहेगा तो वो भी विद्वान बन सकता है, अगर कोई विद्वान व्यक्ति कोई मूर्ख व्यक्ति के साथ रहेगा तो वो मूर्ख बन सकता। तो संगति का असर दोस्तों, तो संगति को सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि संगति का बहुत बड़ा असर होता है हमारे लाइफ में। हम लोग जैसे पांच लोगों के साथ रहते हैं वैसे हम लोग भी बनते हैं। अगर हमारे पांचों ग्रुप में कोई पांचों लोगों में से हर कोई जीनियस है तो छः नंबर जीनियस आप बनेंगे। तो दोस्तों, संगति का असर बहुत बड़ा होता है। कील को अगर हम लोग ऐसे पानी में डाल देंगे तो पानी में डूब जाएगा, लेकिन वही कील को अगर हम लोग लकड़ी के ठोक करके डाल देंगे तो लकड़ी के साथ तो कील भी नहीं डूबेगा और लकड़ी भी नहीं डूबेगा। तो दोस्तों, संगति को सोच समझ के चुनिए, क्योंकि संगति का असर बहुत ज़्यादा होता है हमारे सक्सेसफुल होने में। तो आप भी सोच समझ के अपना संगति को चुनेगा। ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हमारे चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोज़ और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ न्यू लाइफ। थैंक यू।